श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में गरियाबंद में भी लगातार इसकी तैयारियां हो रही है। इसी तारतम्य में जिले में भी कार्यक्रम की तैयारियों के लिए मंदिर, देवालयों और धार्मिक स्थलों को सजाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर दीपक अग्रवाल के नेतृत्व में गरियाबंद शहर से लगी गांव मरोदा के भूतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सफाई का विशेष अभियान चलाया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी लोगों ने स्वच्छता का संकल्प भी लिया। कलेक्टर ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जिला और विकासखंड मुख्यालय में भक्तिमय और मानस गान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर जिले के पंजीकृत मानस गान मंडलियों को 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। आज भूतेश्वर महादेव परिसर में 5 मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। गरियाबंद से फारूक मैनन की रिपोर्ट। और आज सुबह हम लोग विश्व के विशालतम शिवलिंग भूतेश्वर बाबा के प्रांगण में माननीय जिलाधीश के साथ साथ पूरे जिले के सभी अधिकारीगण, हर विभाग के और साथ ही जनप्रतिनिधिगण सब मिल करके इस स्वच्छता अभियान से हम सब जुड़ करके यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था किए हैं। प्रदेश में मोदी के आह्वान पर अभी तक बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि लोग नेता लोग कर रहे थे और अब ऐसा लगता है कि सच में भगवान राम आ रहा है। सभी अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी लगे हुए हैं स्वच्छता अभियान में। सभी मंदिर देव स्थल पर साफ सफाई कर रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जिसमें नगर के पूरे 40 मंदिरों में हवन पूजन किया जाएगा। हमारे द्वारा, हमारी समितियों के द्वारा और नगर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा लगभग 20 मंदिरों में सफाई अभियान पूर्ण किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनकी परिसर की साफ सफाई करें और लोगों को इसमें जोड़ें, और स्वच्छता अभियान जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलता है, इन दोनों संयुक्त कार्यक्रम के तहत आज हमने यहाँ पर भूतेश्वर महादेव मंदिर के परिसर की साफ सफाई रखी थी। इसमें हम हमारे सब जनपान जो हमारे गण जनप्रतिनिधि गण हैं वो भी आए थे। हमारे सभी जिला लेवल के अधिकारी हैं और ग्राम पंचायत के जो भी जो अधिकार लोग हैं, जन सामान्य लोग हैं, उन्होंने भी इसमें सहभागिता निभाई है।